सर सर मुझे एक घंटे के लिए रूम चाहिए। तुम तो स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हो। तो क्या हो गया? देखिए हम स्कूल के बच्चों को रूम अलाउड नहीं करते। ठीक है आप अगर अलाउड नहीं करेंगे तो इस लाइफ में बहुत हो गया है। मैं वहाँ जाकर रूम लेती हूँ। रुको रुको आधार कार्ड। अरे तुम तो अंडर एज हो, तुम्हारी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई। आप मेरी आईडी दीजिए मैं कहीं और ले लूंगी। अच्छा ठीक है 1000 रुपए लगेंगे। आप पैसे की टेंशन मत लीजिए मैं दे दूंगी। अच्छा मेरा रूम कितनी देर में रेडी हो जाएगा? अभी रूम की सफाई चल रही है, आप वेटिंग लॉन्ज में। हाँ बेबी मैं होटल पहुंच गई हूँ, तुम कब तक आ रहे हो? मुझे लोकेशन भेज दो, मैं 20 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है मैं भेजती हूँ। मैम अभी आपके रूम साफ होने में 10 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं बैठ जाओ। जी बैठिए ना। आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है, किसने दिया? ये मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, चांदी का है। चांदी का है? वाह फिर तो आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं हाँ, ये तो सबको पता है पापा और बेटी की बॉन्डिंग कैसी होती है। वैसे आपका फोन भी काफी महंगा लग रहा है, किसने दिया? बॉयफ्रेंड? नहीं ये भाई ने गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पे। क्या बात है, भाई ने दिया, मतलब आपके भाई भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जान छिड़कता है बिल्कुल। फिर तो आपने ये भी बताया होगा कि आप होटल में किससे मिलने आई होंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, पेरेंट्स को कैसे पता हो सकता है सब, और क्यों बताऊंगी मैं ये? क्यों, जब आपके पापा और भाई आपसे इतना प्यार करते हैं, हर चीज़ वो शेयर करते हैं, हर चीज़ आपको खरीद के देते हैं, आप ये छोटी सी बात नहीं बता सकते कि आप इनके साथ होटल मिलने आई। तुम पागल हो क्या, ऐसी बात घर पे कौन बताता है? मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जो बात आप खुद अपने भाई और पापा से छुपा रही हैं वो बात सही हो कैसे सकती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है और जब सही समय आएगा मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। आप मेरे कहने पे काम कर सकती हैं क्या? हाँ बताइए। ऐसा करो कि आप अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाओ और उसे बोलो कि यहाँ पे छापा पड़ गया है इस होटल में और मुझे पुलिस ने गिरफ्त कर लिया है, प्लीज़ मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकाल दो, बस इतना आप करो। ये क्या बकवास कर रहा है, मैं क्यों बोलूँ अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा, और वो पहुँचने वाला है यहाँ पर। देखो आप मेरी बात में नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आप जिससे प्यार करती हो वो आपके लिए लॉयल है भी कि नहीं। देखिए मैं उसको बहुत ट्रस्ट करती हूँ और ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, आप बीच में ना घुसो तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो मैं जानता हूँ कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ये काम ही है रूम देने का, लेकिन तुम्हें देखकर ना मुझे अपनी छोटी बहन की याद आती है, वो भी स्कूल जाती है तुम्हारी इधर। तो आपको अपनी बहन की याद आ रही है तो आप मुझसे क्यों बहस कर रहे हैं, आप अपनी बहन पर ध्यान दीजिए ना, वो किसके साथ जा रही है कहाँ जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ये मालूम चलेगा कि आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए लॉयल है भी या नहीं। ठीक है अगर आपको इतना ही लग रहा है ना मैं आपका वहम दूर करती हूँ। हेलो। हाँ बेबी क्या हुआ, बस 10 मिनट में आ गया। एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ, कैसे प्रॉब्लम? जिस होटल में मैं आई हूँ ना यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई है, अब क्या करें? अरे बाप रे, तो एक काम कर तू वहाँ से निकल जाना जल्दी से। अरे मैं नहीं निकल सकती, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं और मैंने तुम्हारा नाम बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। पागल लड़की मेरा नाम क्यों बोला तूने, अरे तू अपने आप नहीं संभाल सकती थी, मरवा दिया तूने। सुन मेरा फोन नंबर मत दे दियो बस गलती से भी, मैं जा रहा हूँ वापस। अरे राहुल सुनो तो मेरी बात, फोन काट दिया, दोबारा मिलाती हूँ, ब्लॉक कर दिया इसने मुझे। देख लिया आपने, ये था आपके बॉयफ्रेंड की असलियत। आपको पता है आजकल के लड़के सच्चा प्यार नहीं करते, वो बस लड़की को यूज करना जानते हैं, और मैं तो आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि आपको देखकर मुझे अपनी छोटी बहन याद आती है, आप ये उम्र की, मुझे तो उसकी फिक्र होने लगी कि वो भी पता नहीं कहीं यही सब तो नहीं कर रही है। और एक बात बोलूँ, आपके पापा और आपके भाई आपसे इतना प्यार करते हैं तो एटलीस्ट आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए ना, कहाँ इन चीज़ों में पढ़ रही हैं आप। तो पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, उन चीज़ पर फोकस करो, इन चीज़ों में कहाँ पढ़ गई। अरे कुछ ऐसा करो कि आपके भाई आपके पापा आप पे प्राउड फील कर सके। थैंक यू सो मच भैया, जो आप समझाना चाह रहे थे ना मैं समझ गई, पर पता नहीं उस पर इतना ट्रस्ट करके मैं कोई गलत कदम ना उठा लेती। थैंक यू सो मच।
देखिए मेरा तो आपको समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी लड़की के साथ गलत हो। मेरी भी छोटी बहन है, या मेरी छोटी बहन ही क्या, और भी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी एक छोटी सी कोशिश से किसी लड़की की ज़िंदगी बन सकती है, संवर सकती है, तो वो संवर जाए। पर हाँ, सीधा घर जाना, आपके भैया आपके पापा आपका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि आप कहाँ आए। समझे क्यों बेटा, जाइए। ठीक है भैया, मैं पढ़ लिख के बहुत कामयाब बनूंगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। उनको मेरे से बहुत उम्मीद है। मैं चलती हूँ।